स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मेरे को आज हो गया पांचवा दिन है मेरा ये मस्कट में, ओमान में, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से दोहा कतार। तो आज तनिष्का भी अवेलेबल नहीं है और अब्दुल्ला भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि दोनों की फ्लाइट्स हैं, तो दोनों अपने काम पे गए हुए हैं। तो मैंने तनिष्का से पूछ लिया कैसे जाना है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ही बुरा है मस्कट में। तो एक ओ टैक्सी करके ऐप है, ओमान टैक्सी होगी उसकी फुल फॉर्म, ओ टैक्सी, उससे मैं यहाँ से मैं एयरपोर्ट के पास ही रुका हुआ हूँ क्योंकि उनका घर एयरपोर्ट के पास ही अकरू का। तो यहाँ से मैंने चेक किया तो 2.1 ओमानी रियाल की टैक्सी आ रही है, जो कि बनते हैं कुछ 450 रुपए। तो 5-7 मिनट में टैक्सी आ जाएगी, अपना कार्ड से भी पेमेंट हो जाती है उसमें। तो चलते हैं टैक्सी में, कार्ड से मतलब आपको ऐप में ही डालनी पड़ेगी फिर पेमेंट होगी। तो मैंने कर लिया भाई सारा पैक और अपने 3 बिल्ले, 1-2 और ये लेटा पड़ा तीसरा। यार मैं आज सुबह उठा ना तो मतलब ऐसे तनिष्का घर पे नहीं है तो मेरे को तो अजीब सा लग रहा था, और भाई इन बिल्लों को भी छोड़ के जा रहा हूँ तो ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये मतलब अटैच हो गए हैं मेरे पास आके बैठ जाते हैं और मतलब टच करवाते रहते हैं अपने आप को। मतलब मेरे को पता नहीं अजीब सा क्यों लग रहा है, मेरे को लग नहीं रहा था कि लगेगा, पर चलो ठीक है भाई जिंदगी है, आगे तो चलते रहना पड़ेगा, एक जगह तो नहीं टिक सकते। तो चलते हैं टैक्सी ऑर्डर करते हैं। 11:30 बजे की यहाँ से अबू धाबी की फ्लाइट है, फिर अबू धाबी से मेरी 3:30 बजे की दोहा की फ्लाइट है, इतिहाद एयरवेज है। अभी टाइम हो रहा है कुछ 9:15, 11:30 की फ्लाइट है, यहाँ से पहुंच जाएंगे 10:30 तक काउंटर खुले होते हैं। यहाँ से तो 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। रॉयल्टी देखो इस एयरपोर्ट की, ओमान फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास की चेक इन का अलग ही सिस्टम और अदर एयरलाइंस फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास का अलग, भाई साहब। तो भाई अपना इमिग्रेशन हो गया और मैं स्टैम्प मारते मारते उस बंदे को कहने वाला था कि भाई यूज्ड पेज पे मारियो, खाली पेज पे ना मार दियो। भाई उसने पता क्या करा, 4 स्टैम्पें लगी हुई थी पेज पे, पेज के बीचों बीच चारों के ऊपर मार दी स्टैम्प, मतलब मेरे कहने से पहले ही। ये सही था भाई, बच गए अपने सारे पेज। तो अब चलते हैं गेट की तरफ A3, और मेरे को यहाँ से सिर्फ अबू धाबी का बोर्डिंग पास मिला है क्योंकि PNR अलग अलग पे बुक करा था मैंने, उसका वहीं पे मिलेगा। अब कहाँ है गेट A3 ढूंढता हूँ। तो भाई ओमान की ट्रिप इस बार के लिए यहीं पे ख़त्म होती है, मैं ज़रूर दोबारा ओमान आऊँगा क्योंकि एक तो इंडिया से पास है, टिकट्स बहुत सस्ती मिल जाती है, 13-14 हज़ार में रिटर्न टिकट मिल जाती है डायरेक्ट ओमान एयर की। तो मैं तनिष्का और अब्दुल्ला को थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई, इतना सारा टाइम निकाला मेरे लिए। मेरे को नहीं लगता कि अगर ये दोनों नहीं होते तो मैं इतना कुछ देख पाता जितना इन्होंने दिखाया, और इतनी अच्छी सेवा पानी भाई, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और भाई जो मैं ओमान की ना वीडियोज़ में बतानी भूल गया, चलो पिछली वीडियो में डालूंगा, अजीब सा हो जाएगा, कि आप इस देश में ना ओमान में अपने बच्चे का नाम खाबूस नहीं रख सकते, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि जो इनके सुल्तान खाबूस थे जिनको सबसे मतलब बेस्ट सुल्तान ये मानते हैं, जिन्होंने ओमान को मतलब पूरा बनाया है, ओमान को मतलब इकट्ठा किया है, तो आप अपने बच्चे का नाम खबूस नहीं रख सकते, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, जो परमिशन आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ये बात मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, पर पता नहीं वीडियो में बतानी भूल गया, मेरे को अभी लेटे लेटे याद आया एयरपोर्ट पे कि हाँ ये भी था। ये पहुंच गया हूँ मैं अबू धाबी, बस अब दूसरा बोर्डिंग पास लेना है। कोई ट्रांजिट फ्लाइट ले लेता मैं सेम PNR पे तो बोर्डिंग पास एक ही जगह से मिल जाता है, झंझट नहीं होता। पर बात क्या थी, कुछ शायद महंगी महंगी पड़ रही थी टिकट, और अलग अलग कराने में कुछ सस्ती पड़ रही थी, कुछ ऐसा था, तो इसलिए मैंने वो नहीं कराई और अलग अलग PNR पे कराई। कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। तो ओमान एयरपोर्ट पे तो भाई मेरे से वैसे पूछा दुबई का वीज़ा है, मैंने कहा हाँ है, वो ढूंढने लग गया पासपोर्ट में, फिर मैंने अपना निकाल के दिखा दिया, मैंने US वगैरह वीज़ा बोला नहीं भाई, उसने कुछ ड्रामा नहीं करा उसमें कि नाम आपका ऐसा है, वही प्रिंटेड मैंने दिखाया जो दिल्ली एयरपोर्ट पे दिखाया था। जो इंडिया के एयरपोर्ट्स पे लोग काम करते हैं ना, उनके अंदर चुल है कि लोगों को भाई जाने मत दो, खुद भी नहीं जा पा रहे तो किसी को जाने भी मत दो, ये वाली चुल है, और ये भाई सुधारनी बहुत ज़रूरी है। ऑनवर्ड फ्लाइट तो छोड़ो, ओमान एयरपोर्ट पे तो कुछ भी नहीं पूछा मेरे से, देख लेना यहाँ पे भी इतना कुछ नहीं पूछने वाले जितनी सरदर्दी उन्होंने कर दी थी। आपने मेरे को कितनी बार कंप्लेंट करते सुना होगा और देशों के चेक इन काउंटर पे, मेरे को याद नहीं, शायद
200-300 फ्लाइट मैंने जितनी ली होंगी उनमें से एक या दो में, पर इंडिया से इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट पे हमेशा कंप्लेंट होती है, हमेशा। तो यार मेरे पीछे देख रहे हो भाई, इतिहाद का ट्रांसफ़र सर्विसेज, ठीक है। और अब यहाँ से मैंने ले लिया अगली फ्लाइट का बोर्डिंग पास, यहाँ पे मेरे से रिटर्न टिकट क्या होटल पोर्टल कुछ नहीं पूछा, मैं तो वीज़ा तक नहीं पूछा, सीधा प्रिंट करके दे दिया। और इंडिया में इतने नौटंकी, इतनी नौटंकी, मैं फेडअप हूँ यार। तो भाई ये मैं पहुँच गया हूँ दोहा। कतर जो है वो यूएई और ओमान से एक घंटा पीछे है, तो एक घंटे की फ़्लाइट थी और एक घंटा ही पीछे है, तो फिर हम सेम टाइम पे पहुंच गए, बल्कि जिस टाइम फ़्लाइट उड़ी थी उससे 15 मिनट पहले पहुंच गए हम। तो अब चलते हैं इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन में एक रूल है कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, पासपोर्ट, और तीसरा क्या है, आपको होटल बुकिंग चाहिए, वो भी discoverqatar.com से बुक करा के लाना है। पर मैंने जब ट्राई किया वहाँ से कुछ भी बुक नहीं हो रहा था, और मेरे से बोर्डिंग के टाइम पे कुछ नहीं पूछा। पर आप इंडिया से आ रहे हो तो पक्का चेप हो जाएंगे आपके वो। तो देखते हैं अभी इमिग्रेशन पे क्या बोलते हैं, वो चेक भी करते हैं नहीं करते, मेरे को तो लगता नहीं भाई। कौन इमिग्रेशन वाला ये कतारी बंदा इतना मतलब भड़क लेगा कि कहाँ से होटल बुक किया, मेरे को तो लगता नहीं कुछ पूछेगा भी बंदा। भाई एग्जिट कर गया मैं, इमिग्रेशन हो गया मेरा, मैं गया, मेरे पेज पे मेरे पासपोर्ट पे पेजेस कम बचे, और अगले टूर की ना टिकटें बुकड हैं, तो जो पेजेस खाली बचे मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर जगह जाता हूँ मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ मार देना, तो यार मैंने उस लड़की से कहा यहाँ मार देना, कहती नहीं मैं तो नए पे मारूंगी, मतलब ऐसे मजाक सा कर रही थी। फिर कहती होटल बुकिंग दिखाओ, मेरे को लगा डिस्कवर कतर की मांगेगी ये, पर मैंने booking.com से करा रखी थी क्योंकि डिस्कवर कतर से हो ही नहीं रही थी। मैंने वो दिखाई, मैंने कहा दो दिन रुकूंगा मैं, 23-25 को चला जाऊंगा, मतलब वो तो तीन दिन गए पर कहने में दो ही आता है, टू नाइट्स। तो कहती अच्छा, बहुत सोचने के बाद, अच्छा फिर मैं आपको दूंगी 4 दिन का वीज़ा। मैंने कहा भाई 4 दिन का, वैसे मेरे लिए तो मेरे को तो 25 तक ही वीज़ा चाहिए था, 27 तक मेरे को वीज़ा दिया है, वैसे इंडियंस के लिए 30 दिन का है, पर भाई इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड होता है वो आपको कितने भी दिन का वीज़ा दे सकता है। तो 4 दिन का हिसाब तो समझ में नहीं आया मेरे को, या तो 5 दिन का कर लो, या 15 दिन का कर लो, या 1 हफ्ते का कर लो, 30 दिन का कर लो, चलो मेरे लिए तो ठीक है। वैसे उसने पूछा कितने दिन रुकोगे, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि 2 दिन रुकूंगा, तो उसने 4 दिन बोल दिया। तो ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं अपने होटल या फिर हॉस्टल, देखता हूँ मैं कौन कहाँ जाऊँगा। पिन नंबर डाल देते हैं, निकलवा लेते हैं, 350 कतारी रियाल पड़े हैं मेरे, तो निकल गए भाई बिना किसी चार्ज के, 400 कतारी रियाल। ये 100 का नोट, ओ सही है यार, 100 का दिया, 200 का दिया, 50-50 के दो, सही है ना। कतर तो अपने अलग स्वैग में है, अगर 2 नंबर बटन दबाना है ना तो बस देखो ऐसे हाथ इसके आगे पीछे कर दो, दबा भी नहीं रहा मैं। तो भाई मैंने एक हॉस्टल देखा, वैसे मैंने सुना है कि मिडल ईस्ट में ना हॉस्टल्स इलीगल हैं, पर पता नहीं यार दुबई में भी चल रहे हैं, यहाँ पे भी चल रहे हैं। तो मैंने एक हॉस्टल देखा जिसका प्राइस आ रहा है 34 यूरोज 2 दिन का, 17 यूरो 1 दिन का, मतलब 1500 रुपये के करीब मान लो। तो भाई होटल तो बहुत महंगे मिल रहे थे यार, 2 दिन के 120 यूरो कुछ आ रहा था, तो मैंने कहा कोई मतलब टूरिस्ट पे फाइन नहीं लगाएंगे अगर हम हॉस्टल्स में जाके रुक रहे हैं, वो तो जिसने खोल रखा है उस पे फाइन लगेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, मेट्रो लेके हम जाएंगे अपने हॉस्टल। ना यार इनका एयरपोर्ट भी ऐसे ही खाली पड़ा था बिल्कुल, और ये मेट्रो का स्टेशन जहाँ से एंट्री है ये बिल्कुल खाली पड़ी है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये आ गया इनका मेट्रो, अब हमको क्या करना है, कीप इट या बाइट, बाइट करते हैं, देखता हूँ चलो कौन सा लेता फिर बताऊँगा। मेरे पास मिल रहा है 6 कतारी रियाल का, ये मैं समझाऊँगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ। तो मैं समझा देता हूँ भाई, मैंने डे पास क्यों लिया, ये पड़ा मेरे को 6 कतारी रियाल का, क्योंकि जो इनका नॉर्मल अगर आप कार्ड खरीदते हो ना तो उसमें आपको 10 कतारी रियाल का तो कार्ड देंगे ये सिर्फ, और उस पर 10 का आप टॉपअप कराओगे, 20 बन गई है, ठीक है। और मैं मतलब आज का दिन रुकूंगा, कल का और परसों एयरपोर्ट आना है मेरे को, तो अगर मैं तीनों दिन भी अगर डे पास लेता हूँ ना तो भी मेरे 18 ही कतारी रियाल लगते हैं, और शायद तीनों दिन में लूँ भी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये 6 वाला ही सही है, क्योंकि कतर बार बार आना होगा नहीं, कतर बस ट्रांजिट में ही सही है, वैसे शहर में तो मैं शायद ही आऊँगा, वो तो दुबई जाएंगे बस। तो चलो चलते हैं हॉस्टल की तरफ। ठीक है, हिसाब से कतर में ना 3 मेट्रो लाइंस हैं, एक रेड कलर की जिससे हम जाएंगे, एक है गोल्डन, इसको गोल्डन कहते हैं, येलो नहीं कहते ये लोग,
और एक है ग्रीन और एक बन रही है अभी, तो हमको यहाँ तक जाना है मशरीफ तक और वहाँ पे जाके गोल्डन लाइन लेके चेंज करनी है। ये यहाँ का स्टेशन है कुछ ऐसा। भाई साहब कमाल की मेट्रो बना रखी है भाई, देखना बिल्कुल रॉयल। तो भाई यहाँ पे निकल रहा हूँ मेट्रो से बाहर और शाम के भी 5 बज गए हैं और यार मौसम तो बड़ा सही हो रहा है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था, लोग मेरे को मैसेज भी कर रहे थे भाई अप्रैल के एंड में तू ओमान और कतर जा रहा है, बहुत गर्मी होगी। अरे दिल्ली से तो भाई अभी भी ठीक है, मेरे हिसाब से भी टेम्परेचर होगा 30 के करीब, 30-31 बस। तो अभी हॉस्टल मेरे को ऐसा लग रहा था फेक ना हो, मतलब कि फेक तो नहीं, मतलब कि बंद ना कर दिया हो, सिर्फ फीफा में खोला हो क्या पता, पर नहीं उनका मैसेज तो आया है और उन्होंने बिल्डिंग वगैरह भी भेजी है फोटो की, यहाँ पे है ये डोर नंबर वगैरह है। चल के देखते हैं, मेट्रो से उतरने का 700 मीटर है, पहुँचते हैं। तो इस मेट्रो से निकला और वो जो दोहा की स्काईलाइन जो बहुत फेमस है भाई, यहीं से दिख रही है यार वो तो। बढ़िया मजा आ रहा है यार मेरे को तो दोहा, पता नहीं क्यों इतना मजा क्यों आ रहा है। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का दोहा में, कतार में। तो कल आ गया था मैं, आज का पूरा दिन हूँ मैं और कल रात को 11 बजे मेरी यहाँ से वापसी, इंडिया की फ्लाइट है, टूर खत्म हो जाएगा। छोटा सा टूर था एक हफ्ते का। तो यार कतार की एक बहुत, मतलब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब यार दोपहर के 12 बज रहे और मैं चल पड़ा हूँ घूमने, क्योंकि 3-4 बजे तक तो वैसे भी वेदर ठीक ही हो जाएगा। तो कतार की मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, तो यहाँ पे 26 लाख लोग की पॉपुलेशन है पूरे कतार, इसमें क्या कहते हैं कंट्री में 26 लाख लोग रहते हैं और उनमें से हंसोगे आप सुन के, हंसने वाले हो, और उनमें से भाई सिर्फ 3 लाख लोग कतारी हैं, 3,13,000 लोग कतारी हैं और सारे के सारे बाहर से आ रखे हैं काम करने, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से। सिर्फ और सिर्फ 26 लाख में से सिर्फ 3 लाख लोग कतारी हैं, मतलब ये मान लो सिर्फ और सिर्फ 10% पॉपुलेशन यहाँ की नागरिक है। तो ऐसे फैक्ट्स मैं आपको पूरी वीडियो में बताता रहूँगा। 3-4 जगह हम विजिट करेंगे। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, मेरे हॉस्टल सबसे पास था सूक वाकिफ करके, बहुत फेमस मतलब मार्केट है, तो पहले वो घूम लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। कल एयरपोर्ट से लैंड होने के बाद से ना मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी, कतार में बैंक्स बहुत सारे हैं। वो देखो एक दोहा बैंक है शायद वो वाला, यहाँ पे वो देखो वो रहा एटीएम, ये रहा एटीएम भाई, ये रहा ये दो दो तीन तीन एटीएम, ये रहा एक और बैंक दोहा बैंक आ गया, वो देखो वो भी बैंक है। पता नहीं इसी रोड पे हैं, मैं गलत रोड पे रह रहा हूँ कि सारे बैंक ही बैंक हैं, या फिर कतार में है ही कुछ ऐसा सिस्टम बैंकों का। ये है कतार का फ्लैग, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे ना बिल्कुल, और रंग में थोड़ा सा भी फ़र्क आ गया तो ये बहरीन के फ्लैग जैसा बन जाए, क्योंकि ये है थोड़ा मैरून कलर का और वो डंडिया भी है, वो मैंने काउंट नहीं करी वो कितनी है मतलब, पर बहरीन का फ्लैग भी ऐसा ही है, वो एग्जैक्ट रेड कलर का, ये थोड़ा मैरून कलर से का होता है इनका कतार वालों का। तो जैसे कि आपको पता है कि पूरे गल्फ़ में जितनी भी करेंसीज हैं, गल्फ़ को हम अरब वर्ल्ड कहते हैं, तो ये सारी की सारी यूएस डॉलर से पैक्ड है, मतलब यूएस डॉलर जितना गिरेगा एक फिक्स रेट बना रखा है, वो ये करेंसी उतनी गिरेंगी, यूएस डॉलर जितना चढ़ेगा ये करेंसी उतनी चढ़ेंगी। तो कतार की करेंसी है कतारी रियाल और कतारी रियाल की वैल्यू है एक डॉलर में आते हैं 3.64 कतारी रियाल। ये हम पहुँच गए सूक वाकिफ और अब चलते हैं इसके अंदर। मेट्रो स्टेशन भी है सूक वाकिफ का, अगर आप कहीं और रह रहे हो ना तो रेड लाइन पे मेट्रो स्टेशन है सूक वाकिफ का, आप उस पे आ सकते हो डायरेक्ट। ये देखो ये कतार की ड्रेस है, और ये मेसी को पहनाई थी। तो भाई अभी चलते चलते एक बंदा भाई अपना सब्सक्राइबर मिल गया, तो कह रहे कि यहाँ पे शाम को आना, अभी हमारी ये देखो भाई सोने का अंगूठा, कहते हमारा ना अभी हमारी भी छुट्टी का टाइम हो गया, हम भी दुकान वकान बंद करके जा रहे हैं 12 बजे के बाद, मतलब अब 4 बजे दुकानें खुलेंगी, 4 बजे रौनक होगी यहाँ पे। तो यार हाँ यार आज थोड़ी ना धूप भी थोड़ी ज़्यादा है, 38 डिग्री सेल्सियस हो रखा है आज, तो मैं भी सोच रहा हूँ भाई शाम को ही निकलूँ, अब मेरे को भी थोड़ा मजा सा नहीं आ रहा घूमने में,
पर जो दुबई की दोहा की पूरी स्काई लाइन है ना, वो इस के एंड से पूरी स्काई लाइन दिखती है, तो वो हम देखेंगे शाम को आके। मेरे को अभी भी दिख रही थी, पर धूप इतनी ज़्यादा थी ना, माथे में लग रही थी। पर खैर दिल्ली से तो अभी भी कम है, आज दिल्ली में शायद 40 डिग्री है और यहाँ पे मतलब थोड़ा कम ही है अभी भी, 38 के करीब। तो वापस ही चलते हैं, शाम को आएंगे। तो भाई मैंने सोचा कि नहीं, हम धूप में क्या है, हॉस्टल वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं एक बार अगर हॉस्टल चला गया ना, फिर आलस 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 आता रहेगा। तो अभी एक तो बजी गया है, ठीक है, तो मैंने सोचा मेट्रो से चलते हैं हम मॉल ऑफ कतर। जैसे मॉल ऑफ एमिरेट्स है, दुबई मॉल है, वैसे यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है मॉल ऑफ कतर, तो वहाँ पे चलते हैं। अभी शायद यहाँ से मेट्रो लेके जाना पड़ेगा, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे हम, आधे घंटे करीब में। एक चीज़ जो ख़राब है कतर में, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके, कि जो आपका मेट्रो कार्ड है ना भाई, वो मेट्रो में चलेगा और ट्रैम में चलेगा। हालांकि मैंने अभी तक ट्रैम देखी नहीं है कहाँ चली है, शायद 2021 में ही नई ट्रैम लॉन्च हुई है तो उसमें चलेगा, पर बस इसमें नहीं चलेगा वो कार्ड, तो ये बड़ा पंगा है भाई। अभी मैंने ये लिप्टन की आइस टी ली, ये थी 2.25 कतारी रियाल, जो कि हो जाता है लगभग 60 रुपये करीब। तो 2.25 के मैंने 3 कतारी रियाल दिए, वो कहता है एक वापस रखो, दो ही लगाता हूँ, मेरे पास 25 पैसे खुले नहीं है। कहता पोलो चाहिए आपको? मैंने कहा नहीं चाहिए। तो उसने एक कतारी रियाल का नोट मेरे को वापस दे दिया, इंडियन था बंदा। तो फिर मैंने कहा पोलो ही दे दे भाई, तू अपना नुकसान क्यों कर रहा है, इससे अच्छा मैं ही रख लेता हूँ, फालतू में किसी का नुकसान करके आप मिलेगा। तो अभी चलते हैं, मेट्रो स्टेशन आ गए हम, और मेट्रो की टिकट लेते हैं पहले, 200 का खुला कराना पड़ेगा। कोई मेट्रो में भी दो क्लासेज आपको पता हो, गोल्ड सिल्वर। यहाँ देखो स्टैंडर्ड क्लास की टिकट तो है एक बंदे की 6 रियाल, और गोल्ड क्लब किया भाई 30 रियाल, भाई साहब 5 गुना महंगी। दुबई मेट्रो में इतना फ़र्क नहीं है, हम तो भाई 6 वाली ले लेंगे, ऐसा कौन सा हवाई जहाज में बिठा के लेके जाओगे भाई। तो हम डालेंगे यहाँ से 10 का नोट और ये 4 नोट हमको वापस कर देगा। यार कतार की ना मेट्रो टिकट की एक मेरे को थोड़ी बात अजीब लगी, ये डे पास है यार, डे पास है तो 24 घंटे का बना दो, और ये पास किसी भी टाइम खरीदो, एक्सपायर अगले दिन के रात के 2:58 पर होता है। देखो ये भी कल मैंने ख़रीदा था, ये भी 2:58, मेरे को लगा ऐसे ही लिखा होगा, पर हाँ ये मतलब रात के 3-1 बजे एक्सपायर हो जाता है। ये थोड़ा अजीब सा है भाई, अगले दिन के इतने बजे तक दे दो ना वैलिडिटी। तो भाई बिल्कुल एंड में अल-रिफा मॉल ऑफ कतार, कतर की मेट्रो बिल्कुल मतलब वो वाला कलर सा दे रखा है, देखो गोल्ड रेड रेड सा, बिल्कुल मतलब रॉयल लुक देने के लिए। देखो ये भी कनेक्शन दुबई मॉल जैसा बना रखा है, मेट्रो से उतरती है ऐसा सा, और दुबई मॉल का कनेक्शन 1 किलोमीटर लंबा है। पर अगर आप इस मॉल, दुबई मॉल तो बिल्कुल सेंटर में है भाई, बुर्ज खलीफा के अंदर है, पर अगर आप इस मॉल की लोकेशन चेक करोगे ना भाई, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या रेगिस्तान में बना दिया क्या भाई, बिल्कुल सिटी से बहुत दूर आके है। मेट्रो से सही है अपना, सही आ गए। और मतलब मैंने चेक किया, मैंने कहा सच में सबसे बड़ा मॉल है कतर का, क्योंकि दोहा सिटी से काफ़ी दूर आ गए हम, कम से कम 15 किलोमीटर। तो भाई और कुछ करने को मिला नहीं, तो यहाँ पे सिनेमा हॉल था, मैंने मूवी की टिकट ले ली। वैसे मैं सोच रहा था कौन सी मूवी देखूँगा, यहाँ सलमान खान वाली भी लगी है पर तो फ्लॉप है, तो जॉन विक की ले ली मैंने, Chapter 4 जो आ रखा है। 50 कतारी रियाल की यहाँ टिकट थी, तो कितना हुआ 1,150 रुपये, कुछ खाने का ले लेते हैं और बैठते हैं और मूवी इन्जॉय करते हैं, शाम की हो जाएगी फिर चलेंगे। भाई ये ले ली अपने नाचोज 700 रुपये के पड़े भाई, 30 कतारी रियाल, और उसने पूछा चीज़ सॉस और हेलीपिनो चाहिए, चीज़ है सालसा। मेरे को लगा हेलीपिनो ज़्यादा सही रहेंगे, तो इन्होंने यही दे दिए, चलो कोई नहीं खा लेंगे। तो भाई मॉल तो मैंने देख लिया सारा, मूवी भी देख ली, पर यार दुबई मॉल में मतलब जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, कि फाउंटेन शो कर लिया आपने, वो एक्वेरियम है, और भी 10-15 चीज़ें हैं, मतलब वो सब यहाँ पे नहीं बनी है अभी, सारी दुकानें भी यहाँ पे खुली नहीं है, क्योंकि सबने ख़रीदी भी नहीं है, क्योंकि शहर से बहुत दूर है अभी ये। तो ठीक है, आ सकते हो, देख सकते हो। मेरे को यहाँ पे ना घर के डेकोरेशंस के लिए जो झूमर वगैरह की दुकानें हैं ना, वो काफ़ी सही लगी, अगर आप वो सब ख़रीदना चाहते हो तो। वो सब मैंने शायद दुबई मॉल में इतना नहीं देखा, पर यहाँ पे वो कई सारी दुकानें हैं, तो अगर मतलब घर वगैरह के लिए आप चीज़ें लेके जाना चाहते हो तो आ सकते हो। तो भाई ये पी लेते हैं थोड़ा संतरे का जूस, 10 कतारी रियाल का है, फ्रेश 1 कप। ठीक है, सामने सामने बनता हुआ दिखाते हैं तो सही है, सामने सामने संतरा काटते हैं। स-
सही लगा मेरे को ये। मैं अब आ गया दोबारा से सूख वाकिफ के मेट्रो स्टेशन पे, मैं उतर गया था वहां से, पूरी स्काईलाइन मतलब इस रोड से दिखती है। तो स्काईलाइन देखने के लिए क्या होता है भाई, आपको उसके बिल्कुल अपोजिट साइड होना पड़ता है, थोड़ा दूर। स्काईलाइन के पास ही चले जाओगे तो नहीं देख सकते ना। तो किस्मत से अपना होटल इसी तरफ था, बिल्कुल पास, मतलब मेरे होटल से जैसे आप निकलोगे रोड पे हॉस्टल से सीधी स्काईलाइन दिखती है। तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, एक वो जो डो क्रूज से होते हैं ना, छोटे छोटे बोट टाइप से, वो कोई चलती होगी तो पानी में वो ले लेंगे। वैसे खैर आया तो मैं अभी थोड़े से गलत टाइम पे हूँ, इससे मेरे को एक घंटा पहले आना चाहिए था, पर मूवी कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई और मॉल ऑफ कतर था भी थोड़ा दूर, तो उसके वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। पर देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, सामने स्काईलाइन जो दिख रही है मस्त लग रही है, और ले लेते हैं बोट राइड, मज़ा तो आने ही वाला है। और चाहूँ तो मैं कल भी ले सकता हूँ, अगर मेरे को आज अच्छी लगी ना बोट राइड तो मैं अभी, और अफोर्डेबल हुई तो मैं शायद कल भी ले लूँ, क्योंकि कल रात को मेरी 11 बजे फ्लाइट है। तो अगर 3-4 बजे बोट राइड लूँगा, अभी 3-4 तो नहीं 5-1 बजे लूँगा, तो भी पहुँच जाएंगे आराम से, एयरपोर्ट तो अपनी सीधी मेट्रो जाती है। चलो अभी ढूंढने की कोशिश करते हैं बोट, मज़ा आ रहा है भाई, क्या वेदर, इस तरफ सूख बाकी पूरे का पूरा। और ये मैंने ऑरेंज जूस ले लिया था, मस्त वेदर हो रहा है। को यहाँ पे मैं आ गया हार्बर पे, और यहाँ पे देखो ऐसे ऐसी बोट्स खड़ी हैं, ये टूर वूर पे जाती हैं, और सामने ही स्काई लाइन है पूरी। मुंबई की मेरीन ड्राइव है ना, ये भी वैसा ही है, पूरा गोल घूम के समुंदर है बीच में, पूरा गोल घूम के वहाँ पहुँचता है जहाँ स्काई लाइन है। तो भाई मैं गया, मैंने पूछा बोट का क्या सिस्टम है, कहते 30 रियाल। मैं 30 में भी कर लेता, पर फिर मैंने ऐसे ही कह दिया भाई थोड़ा कम करो, बोट चलने ही वाली थी, कहता 20 रियाल। मेरे को लग रहा अगर आप 2-3 बंदे हो ना तो 10-10 रियाल में भी जा सकते हो, पर वही बात है, इतने फालतू की मूवी देखा है वहाँ पे, खर्च कर दिए पैसे, फालतू के नाचो खा लिए वहाँ पे, मैंने इतने एक्स्ट्रा पे कर दिए, इंडियन ही बंदे थे इनसे, मतलब क्या 2-4 रियाल पे और बार्गेनिंग करता, मैं 15 कर देता, तो 20 रियाल में होके आ गए। पर मैं बोट पे बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि तेज़ तेज़ गाने बज रहे थे और फिर कॉपीराइट आता और आपको मेरी वैसे भी आवाज़ नहीं आती। तो अच्छा था, 25-1 मिनट का टूर था अपना, 20 रियाल में हो गया, बढ़िया लगा मेरे को, अच्छा फन था भाई। ये तो कमाल कर दिया, ऊँट को यहीं लेके आ गए, और ये शायद अंदर मिट्टी भी डाल रखी होगी, नहीं मिट्टी, नहीं मिट्टी तो नहीं है, नहीं है, है मिट्टी भी है, और डेजर्ट का मज़ा यहीं ले लो। तो अभी मैं आ गया वापस से सुख वाकिफ में, इसका एक चक्कर मारते हुए अपने होटल निकलते हैं। भाई ये मार्केट मैंने पहली बार देखी है जहाँ पे ये चिड़िया बिक रही हैं, बर्ड्स मार्केट। भाई ऐसा नहीं लग रहा इन चिड़ियाओं पे रंग कर रखा हो किसी ने, इंडिया में होली खिला के लाए इन चिड़िया को और यहाँ पे ले आए। अरे भाई ये चिड़िया बाहर भी बैठी हैं, पर ये तोते हैं ये, पर उड़ नहीं रहे देखो। भाई सुबह दिखाई थी मैंने आपको मार्केट, हो रहे अब देखो। ये मैग्नेट ले लिया मैंने इस दुकान से, 10 रियाल का दिया, इस पर क्या ही कहता, 4 कर लो 5 कर लो, ठीक है। मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है वैसे, पर मस्त है मार्केट, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी ये वाली, घूमने के लिहाज से बहुत सही है, पर यहाँ पे खरीदना मत कुछ, बहुत सब कुछ मतलब ओवर प्राइड है। जो मैंने झूमर मतलब ओमान की, किसी ने अगर वीडियो देखी हो तो वो झूमर मैंने वहाँ पे लिया है 9,200 रुपये का, ठीक है, ओमान की करेंसी के हिसाब से मतलब 43 रियाज का था वहाँ पे, 9,200 इंडियन रुपये बनते हैं। और यहाँ पे मैंने उस चीज़ का रेट पूछा ना तो बंदा कहता, मतलब उसके मुंह से जो रेट आया वो था भाई ऑलमोस्ट 17,000 रुपये, जो मैं वहाँ 9,200 का लेके आया।
तो और मैं जब जाने लगा तब भी बंदे ने मेरे को ऐसे कुछ खास बुलाया नहीं और ना मेरे से बार्गेन करने की कोशिश करी। चलो मैं बार्गेन कर भी लेता तो मेरे हिसाब से 13,000 से नीचे तो बंदा मुश्किल ही देता। और वहाँ पे एक पीस मैंने पूछा था, एक पीस अगर मेरे को चाहिए हो तो कितने का मिलेगा, तो वहाँ पे बोला था 1,000 रुपये का और यहाँ पे बोलता वो बंदा 3,000 का। शायद उसने ऊपर के ढक्कन भी जोड़ लिए होंगे और वहाँ पे नहीं जोड़े होंगे। तो मतलब ये मान लो 1.5 से 2 गुने का फ़र्क है। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे मत करना, अगर ओमान जाओगे कभी फ्यूचर में तो ओमान में कर लेना, क्योंकि सिमिलर डेकोरेशन वाली चीज़ें ना सिमिलर मिल जाएंगे आपको ओमान में भी। ये था भाई मेरा पहला दिन कतर में। कल देखता हूँ, मेरा मन कर रहा है डेजर्ट सफारी में जाने का, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट सफारी के अलावा ना दो चीज़ें और कराते हैं। खैर दुबई में भी कराते होंगे पक्की बात है, पर वो दो चीज़ें और मतलब जो मैंने दुबई में नहीं करी थी, एक ही बार करी है मैंने डेजर्ट सफारी, वो थी सैंड बोर्डिंग और एक फैल्कन एक्सपीरियंस। फैल्कन मतलब जो इनका पंछी है पूरे मिडल ईस्ट में मतलब बहुत फेमस है, चील जैसा जो होता है, वो मैंने दुबई में नहीं करी थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि कर लूँ ये वाला एक्सपीरियंस अब कतर आया हूँ तो, ये दुबई में दोबारा से करने का मेरा मन होगा नहीं। तो देखते हैं कल का क्या रहता है, क्योंकि सुबह की डेजर्ट सफारी ले लूँगा मैं, जो कि सुबह 9-1 बजे करीब निकलते हैं और 5 घंटे के होते हैं, 2-3 बजे तक टाइम पास हो जाएगा और फिर अपना एयरपोर्ट चल लेंगे।